गाइज, अगर आपके फोन में भी कुछ इस तरह से पॉपअप आ रहा है, और काफी लोग सोचते हैं कि यह तरह का मैसेज बंद हो जाए अपने फोन से, आप अगर अपने मैसेज को बंद करना चाहते हैं इस तरह से, अगर आपके पास स्नैपचैट का मैसेजिंग आ रहा है, तो इसके बारे में बताने वाला हूं कैसे आप बंद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काफी लोग ऐसी वीडियो को ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती है यूट्यूब पर, तो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो लेकर आ गया हूं। बहुत ही सिंपल सेटिंग से मैं बताने वाला हूं कैसे आप इस तरह से जो मैसेजिंग आ रहे हैं कैसे इसको रोक सकते हैं, और कैसे इसको आप हटा सकते हैं हमेशा के लिए, कभी नहीं आएगा मैसेज। और ये भी बताऊंगा कैसे आप इनेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है कि उसको ऑन करना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल ट्रिक में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, स्नैपचैट पर मुझे चलना है क्योंकि स्नैपचैट के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ लेकर आ गया हूँ वीडियो। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले जैसे ही स्नैपचैट पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे मतलब कि मैसेजिंग देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इतने सारे लोग फॉलो किए रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो यही सबके मैसेजिंग जो होते हैं, अगर कोई भी इसमें से अपने फोटो को पोस्ट करेगा, अपने वीडियो को शेयर करेगा, तो यहाँ पर वहीं से जो पॉपअप खुल कर आएगा मैसेजिंग का, वो आपके ऊपर पॉपअप पर दिखेगा, यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसे में कैसे इसको डिसेबल करना है, यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, न्यू चैट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको अगर नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको साइड बार में क्लिक कर देना है। साइड बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको पहले डिसमिस करना है। यहाँ पर चेंज ऑटो फिट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप चेंज ऑटो फिट भी अपना सब कुछ अपना कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साथ में नीचे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और पहली बात यह कि आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाकर अपने सभी अकाउंट को मैनेज कर लेना है, जैसे कि पासवर्ड को मैनेज करना हो गया, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपका यहाँ से कोई भी हैक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से अपने नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अपने फोन के सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी सर्च करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सर्च कर देना है। यहाँ पर देखिए, मैं नोटिफिकेशन आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन जैसे आप सर्च करेंगे तो नोटिफिकेशन साउंड, नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ पर डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन, इस तरह से ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा तो इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में भी,